अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि आपने अपने वर्डप्रेस में विजेट कैसे लगाना है। मतलब जो आपका वर्डप्रेस है, आपका साइड है, इसकी इस साइड पे आपका फेसबुक पेज हो, इस तरह का कोई गूगल एनालिटिक्स हो, या आपका कोई रिसेंट पोस्ट हो, या आपका यूट्यूब चैनल साइड में शो हो जाए, आप उसको कैसे लगा सकते हो वर्डप्रेस में। तो आज इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ, बिल्कुल कम्प्लीटली आपको प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूँ। आपने बिल्कुल इसी तरह करना है जिस तरह मैं करने वाला हूँ। आपने सबसे पहले यहाँ पर, ये मेरा साइड है, मैं इसको कस्टमाइज थीम्स पे क्लिक कर लेता हूँ। थीम्स आप भी लगा सकते हो, और उसको जो है ना, यहाँ पर प्लगिंग वगैरह है, अगर इसको मैनेज कर सकते हो तो ठीक है, अगर नहीं कर सकते हो तो रहने दीजिएगा। यहाँ पर आप इसको यहाँ पर पोस्ट कर सकते हो, यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं अपने बिल्कुल आसानी से कर सकते हो, वो इशू नहीं कि आप उसको यहाँ पर ये करो वो करो, बस आपने पोस्ट कैसे करना है। एक तो मैं आपको सबसे इस वीडियो में आपको सब कुछ यहाँ पर बताने वाला हूँ। यहाँ पर आपने इसको कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया, फिर आप वर्डप्रेस पे चले गए। वर्डप्रेस पे आपने ये जो है, आपने इसको डिलीट करना है, कंट्रोल वी से इसको क्लिक करना है। सही है, यहाँ पर आप चाहते हो कि यहाँ पर कोई लिंक ऐड करो तो ठीक है, अगर नहीं करना चाहते तो नहीं करो, कोई पैसा नहीं। यहाँ पर आपने ये वाला जो इसको आप कॉपी कर लो, या पर आप इसको कंट्रोल से क्लिक कर लो। सही है, या पर आपने इसको पब्लिश करना है, पब्लिक पर पब्लिश करना है या खुद पब्लिश करना है। तो इस तरह एक तो आप इसको पोस्ट कर सकते हो, या पर अभी पब्लिशिंग चल रही है। तो जो ख़ास बात है, जो जिस बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, वो आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उससे आपका जो सब्सक्राइबर है वो भी बढ़ जाएंगे, आगे पेज लाइक्स वगैरह भी बढ़ जाएंगे। यहाँ पर देखो, ये वाला हो गया, यहाँ पर देखो ये वाला है, ये हो गया। तो चलो चलते हैं अभी काम अपने तरफ। यहाँ पर सारे यहाँ पर जो ऑप्शन शो करे किए हैं आपने, यहाँ पर आपने कस्टमाइज पे क्लिक करना है थीम्स। यहाँ पर कस्टमाइज लिखा हुआ है, आपने पे क्लिक करना है। कस्टमाइज के बाद यहाँ पर एक इंटरफेस शो होगा, यहाँ पर देखो साइट आइडेंटिटी, बैकग्राउंड, फॉन्ट, हेडर इमेज, मेनू, इस
CSS widget या पर widget ये है। आज मैं आपको सिर्फ widget के बारे में बताने जा रहा हूँ, फुल कम्प्लीटली बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर फुटर बार, ये देखो साइड बार वन, साइड बार मैंने एक अपना जो फेसबुक पेज है वो डाला है। साइड बार टू, यहाँ पर एड न्यू विजेट, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर एक्समेट विजेट डिस्प्ले द नंबर ऑफ स्पम कमेंट्स एक्समेट हैज कैच्ड, ये एक ऐसा विजेट है अगर कोई कमेंट करता है, स्पम कमेंट करता है तो वो कैच करे। तो दूसरा ये आ मंथली टू योर साइट पोस्ट, ये मंथली जो आपके एक महीने में जितने अर्चीव पोस्ट हुए हैं आगे साइड में वो उसको कंट्रोल करता है। और यहाँ पर ऑडियो आप डाल सकते हैं, ऑडियो प्लेयर। यहाँ पर डिस्प्ले ब्लॉग ऑथर विद ऑथर एंड रिसेंट पोस्ट, यहाँ पर वो ऑथर ऑथर का नाम ले लेते हैं शो कर देता है और उसका जो रिसेंट पोस्ट उसको शो कर देता है। ब्लॉग आई फॉलो, डिस्प्ले लिंक्ड इमेज फॉर द ब्लॉग यू फॉलो, यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। टाइटल मैं इसको चेंज करता हूँ, माय ब्लॉग, आप इसको लिस्ट में दिखना चाहते हो या दिल में दिखना चाहते हो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक मिनट यार, इससे कदम थोड़ा वेट कर दूँ ताकि आपको भी देखने में आसानी। यार यहाँ पर तो मैं बैकग्राउंड का कलर चेंज कर देता हूँ। अगर आप बैकग्राउंड का कलर चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पर कलर एंड बैकग्राउंड लिखा हुआ है, आप इसको इजीली यहाँ से चेंज कर सकते हो। ओके, अब यहाँ पर विजेट्स स्लाइड वन एड न्यू विजेट्स, यहाँ पर यही चीज़ आ गया कस्टम एचटीएमएल। यहाँ पर कस्टम एचटीएमएल में क्लिक कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर एक लाइव चैट जो है ना, लाइव चैट एक मेरे पास इसका एक कोड है लाइव चैट का, मैं यहाँ पर उसको सबमिट करने वाला हूँ। अगर काम कर गया तो ठीक है, अगर नहीं कर या तो फिर भी मसला नहीं है। यहाँ पर ये है कंट्रोल वी से इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं इसको डायरेक्टली इसको डन कर लेता हूँ यहाँ से। ये काम नहीं कर रहा है, इसको यहाँ से इसको क्या करना है, डिलीट करना है। या आप नीचे से डिलीट कर रहे हो, मैं समझ यहाँ से डिलीट करो। तो मैं यहाँ पर कोड्स आर्बिट्री, यहाँ पर इस ये काम करता है। यहाँ पर मैं ये किए वाला पोस्ट ले लेता हूँ, आप ही अपने ब्लॉग से पोस्ट ले सकते हो। यहाँ पर हाउ टू फाइंड योर फ्यूचर, यहाँ पर ये वाला है मीन्स को ये एचटीएमएल है। ये कोड है, मैं ये ले लेता हूँ। यहाँ पर देखो कंट्रोल वी से इसको इस कर लेता हूँ और टाइटल इसका क्या है,
पैटर्न ले लेता हूँ कॉपी कंट्रोल वी से इसको प्रेस करें सही है कंट्रोल वी। ये देखो ये जो वीडियो यहाँ पर आ गई देखो यहाँ शो हो रहा है यहाँ पर वीडियो यहाँ पर आ गई तो मैं यहाँ पर इसको डायरेक्टली क्या कर लेता हूँ बंद कर लेता हूँ ये डन हो गया। अब आप और भी कर सकते हो इस तरह का जो है ना यहाँ पर कॉन्टेक्ट इन्फो जब मैं कॉन्टेक्ट इन्फो पे क्लिक कर लेता हूँ मेरा एड्रेस क्या है मैं एड्रेस डाल देता हूँ पाकिस्तान सेवन फाइव थ्री हंड्रेड पोस्टर कोड है सही है। ये लंच और डिनर का जो है अगर आप बोल चाहते हैं कि वो मौजूद है तो ठीक है तो यहाँ पर मैं इसको डन कर लेता हूँ यहाँ पर ये भी डन हो गया। तो अब मैं यहाँ पर शो करवा देता हूँ ये देखो ये एड्रेस यहाँ पर आ गया देखो आपको सामने यहाँ पर शो हो रहे हैं ये एड्रेस आ गया। तो इस तरह आप और भी कर सकते हो यहाँ पर डिस्प्ले वर्ल्ड फेस पोस्ट फेसबुक पेज प्लगइन फेसबुक पेज आप फेसबुक का पेज पर देखो लाइक माय फेसबुक पेज अपने फेसबुक पेज का यूआरएल यहाँ पर दे दो यहाँ पर आपका फेसबुक पेज जो भी है मैं यहाँ पर सिर्फ उसको आप वो डिजाइन करें यहाँ पर रिकॉर्डिंग चल रही है थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है ना इस वजह से आपने वेट करना है। यहाँ पर मेरा फेसबुक का यूआरएल ये है मैं इसको डायरेक्टली यहाँ से कंट्रोल सी से कॉपी कर लेता हूँ और आपको शो करवा देता हूँ कि आपका पेज जो है ना फेसबुक का पेज या आपका आईडी दोनों चल रहा है यहाँ पर देखो ये पेज है मतलब इसी तरह ये पेज है मेरा ये जो है ना यहाँ पर अभी पिक्चर शो होगा लेकिन नेट तो इस वजह से प्रॉब्लम कर रहे हैं तो मैं यहाँ पर उसको आपको दिखा देता हूँ पेज यूरियल यहाँ पर मैं डाल देता हूँ कंट्रोल वी से पिक्सल कितना आप चाहते हो कि छोटा चाहते हो बड़ा चाहते हो यहाँ पर शो पेज आप चाहते हो कि मेरा जो पेज है यहाँ पर शो हो जाए तो ठीक है तो यहाँ पर शो पेज पोस्ट मैं यहाँ पर डन पे क्लिक कर लेता हूँ ये हो गया अभी आपको शो करवा देता हूँ इसके नीचे आया होगा एक दफ़ा ये कंप्लीट हो जाए यहाँ पर अभी आया होगा यहाँ पर ये जो ना यहाँ पर आया होगा लेकिन यहाँ पर अभी जो है ना शो नहीं और यहाँ पर ज़रूर है
यहाँ पर लाइक होगा फाइनल डेट शीट सप्लाई रिजल्ट, यहाँ पर इस साइड भी ये आया है, सही है। यहाँ पर मैं एक और विजेट को ऐड करना चाहता हूँ, गैलरी है, गूगल ट्रांसलेट है, गिफ्ट कार्ड है, इमेज है, इंस्टाग्राम है। यहाँ पर आप इंस्टाग्राम का भी जो है ना इंस्टाग्राम एक्सिस, सिर्फ यहाँ से इसको जो है ना एक्सिस कर लो। अपने इंस्टाग्राम को सिर्फ यहाँ से आपने क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। या पर आपने यहाँ पर क्लिक करना है, इसके बाद ये खुद ब खुद इंस्टाग्राम पे चला जाएगा। यहाँ पर ये अदरवाइज आपने क्लिक करना है, सिर्फ आपने उसको एक्सेप्ट करना है। खुद ब खुद जो इंस्टाग्राम है यहाँ से में शो हो जाएगा, कस्टमाइज लोडिंग हो रही है। दोस्तों ये वीडियो जो लंबी होती जा रही है, लेकिन आपने सब समझना है, क्योंकि आज ये वीडियो में सिर्फ विजेट के बारे में बताने जा रहा हूँ। उसके बाद जो समझो जो अगर आपको इस वीडियो में या व्हाट्सएप में कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आपने कमेंट में कहना है, मैं उसी के ऊपर वीडियो बनाऊँगा इंशाल्लाह। यहाँ पर देखो अभी जो है जो इंस्टाग्राम है, अब यहाँ पर आएगा ये जो कॉर्नर है, ये नीचे कॉर्नर है, इस साइड जाएगा। अब यहाँ पर लोडिंग चल रही है तो इसी साइड में आएगा, मसला नहीं है। आप टेंशन ना लियो, यहाँ पर ज़रूर आएगा। यहाँ पर बहुत चीज बहुत कुछ है, यहाँ पर अपकमिंग इवेंट ट्विटर टाइमलाइन, यहाँ पर आप क्लिक करो, ट्विटर के साथ अपना ट्विटर भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो। ट्विटर यूजर नेम, ट्विटर यूजर नेम आपका जो भी है आपने वो देना है। देखो मेरा ट्विटर यूजर नेम सिर्फ ये है, ये वाला है, कंट्रोल से कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पर कंट्रोल में यहाँ पर चाहिए, यहाँ पर हाइट कितना होना चाहिए, यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ पोस्ट हैश ऑफ ट्वीट शोन बाय 1 to 20। यहाँ पर मैं क्या कितना शो करवा देता हूँ, ट्विटर है तकरीबन 15। कलर जो कर देना चाहते हैं आप देख सकते हैं, तो मैं इसको डन कर देता हूँ, ऐसे पब्लिश कर देता हूँ। यहाँ पर आप ट्विटर भी शो हो जाएगा, यहाँ पर साइड में ट्विटर का जो ये देखो, ये सारे ट्विटर का यहाँ पर शो हो रहे, देखो ये ट्विटर है। अगर आप चाहते हैं कि ये ट्विटर का ये अब ये इसमें कुछ चेंजिंग आएगी, यहाँ पर मैं सिर्फ 4 कर लेता हूँ, आज कितना होना चाहिए। तो इस तरह आप ट्विटर को ऐड कर सकते हैं। तो
यहाँ पर एक और चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर मैं यहाँ पर टैग आ विजेट ठीक ही डॉट आई और वेब चर्च, यहाँ पर वेब चर्च जो है ना आपने लाइव चर्च अपने डालना है और यहाँ पर रन करना है, पब्लिश पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप देखो यहाँ पर अभी मैं ये देख लेता हूँ इसमें क्या क्या चेंजिंग आई है। यहाँ पर मैं बताता हूँ यहाँ पर देखो एक यहाँ पर ये सर्च हो रहे ब्लॉक रिजल्ट वगैरह ये सर में ये आ रहे देखो ट्विटर ब्लॉग ये वो ये सारे शॉर्ट मिलोड ये सारे आपके ट्विटर यहाँ पर शो होंगे। यहाँ पर चैट है देखो जो लाइव चैट मैं आपको बताने जा रहा था वो ये है। आप यहाँ से इसको डायरेक्टली कर सकते हो यहाँ पर आए क्लिक करो ये देखो आ गया। तो आप यहाँ से अभी मैं कस्टमाइजिंग जो कर लेता हूँ इस तरह जो है ना आप इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। अभी तो मैं आपको सिर्फ ये सैंपल दिखा रहा हूँ, आप अच्छे तरीके से कर सकते हो, मैंने तो इतने अच्छे तरीके से नहीं किया है। यहाँ पर ये है क्या है कैलेंडर ब्लॉग स्टेटस, यहाँ पर ये आपका ब्लॉग का जो सारा जो सब कुछ है वो शो हो जाएगा का स्टेटस। यहाँ पर डन कर लो ओके हो गया। यहाँ पर आई आपने साइड बार वन एड न्यू विजेट और यू फॉलो ब्लॉग, बस यही है आपने सिर्फ डन पे क्लिक करना है। कोई आपका ब्लॉग फॉलो करना चाहता है डायरेक्ट ही फॉलो कर पाएगा। देखो 48 सीट्स यहाँ पर ये हो गया है, न्यू विजिट बना लें, फॉलो बटन शो फ्लावर काउंट डन
यार ये बिल्कुल आसान है यार, बहुत अच्छी। आपने सिर्फ कुछ भी आपने डालना नहीं पड़ेगा, बस ये जो है बिल्कुल, आप वो काम कम करो और जो क्या कहते हैं और जो प्रमोशन है वो ज़्यादा आप लो। यहाँ पर गूगल ट्रांसलेट है, डायरेक्टली आप ट्रांसलेट डन पे क्लिक करो। तो यार ये आपका पेज जो है ना, यहाँ पर आप अगर कोई चाहता है कि भाई मैं आपका ज़बान कोई दूसरा है, आप ये इंग्लिश नहीं समझते हो, तो आप इसको सिर्फ जो गूगल ट्रांसलेट उसके ज़रिए आप अपने ज़बान में उसको क्या कर सकते हो यूज़, समझ के आप अपने ज़बान में भी कर सकते हो, फिर उर्दू में आप उसको यूज़ कर सकते हो, इंग्लिश में सारे जो ना कर सकते हो आप। मेलचिप, सब्सक्राइबर, पुपअप, ये सारे फ्री हैं। यहाँ पर जो कोड है, जो कोड मांग रहे हैं, अब ये कहाँ से मिलेगा? तो मैं ये वाला कोड ट्राई कर लेता हूँ जो मैंने लाइव चैट के लिए क्लिक किया था, अब मैं वही से चेक कर लेता हूँ। लेआउट, यहाँ पर ये है लाइव चैट, अब मैं इसको डायरेक्ट बस इसको कंट्रोल कंट्रोल सी सी इसको कॉपी कर लेता हूँ और वहाँ जाके कोड में कंट्रोल वी से पेस्ट कर देता हूँ। मैं देखता हूँ कि ये कोड काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, अगर कर रहा है तो ठीक है, अगर नहीं कर रहा है तो मैं इसको बाद रिमूव कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं पब्लिश पे क्लिक करना चाह रहा हूँ, अब पब्लिश हो गया। अभी हम इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, क्या क्या चेंजिंग आई है। एक बात मैं भूल गया, यहाँ पर एक जो ये बैकग्राउंड कलर है मैं इसको वाइट कर लेता हूँ, ये पब्लिश कर लेता हूँ। अब ये पब्लिश, या मैं थोड़ा रिफ्रेश कर लेता हूँ, क्या आपको सही तरीका से दिखे। यहाँ पर देखो ये हैं वही, ये देखो जो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर देखो अब यहाँ से इसको ट्रांसलेट कर सकते हो। फॉलोइंग, ये जो फॉलो ऑप्शन है वो ये है, ये जो अभी वो लगाया था इंटरनेट डिफेंस है, यहाँ पर देखो ये सारे ये ऑप्शन है। तो इस तरह आप ये देखो कॉन्टेक्स्ट लिखा हुआ, लोकेशन, होम्स, यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है। बस आप यहाँ पर जो भी सर्च करना चाहते हैं यहाँ से सर्च कर सकते हो। दोस्तों इस तरह आप विजेट लगा सकते हो, सब कुछ यहाँ पर जो है ना अपने जो वर्डप्रेस वेबसाइट इसको रिंग पे ला सकते हो। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इसी तरह वर्डप्रेस का बनाऊंगा, लेकिन उसमें कोई दूसरा ऐसा चीज़ होगा जो आपको पता नहीं हो, आप मुझे कमेंट में कह दें, मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा।